and I just... देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को लेकर बातें हो रही हैं। बातों का बातों से ही तो मुकाबला है। काश जो ओमिक्रॉन जो फेफड़ों पर असर कर रहा है, फेफड़ों की भी एक खुद की पार्टी होती। अगर फेफड़ों की खुद की पार्टी होती तो कम से कम फेफड़ों में बसते कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने पर भी बातें हो सकती थी। देश में इस वक्त आप बाहर मत निकलिएगा क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप बाहर निकलेंगे, चार लोगों से मिलेंगे तो अच्छी अच्छी बातें सुनने को शायद ना मिले, लेकिन आप क्या कर सकते हैं ताकि आपको अच्छी बातें सुनने को मिले। तो अच्छी बातें देखने सुनने के लिए आप टीवी देखिए, घर पर रहिए, और घर पर रहकर जब टीवी देख रहे होंगे तो रैलियों में बड़ी बड़ी भीड़ देखिए, भारी भरकम भीड़ देखिए, लेकिन आप वो भीड़ मत देखिएगा जो भीड़ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भीड़ आप देखिएगा टीवी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर जो भीड़ आपको नजर आएगी, ये भीड़ दरअसल वो भीड़ है जो मांग कर रही है कि उनका स्टाइपेंड बढ़ा दो, मतलब उनकी तनख्वाह बढ़ा दो, मतलब उनको जो रुपए दिए जाते हैं खर्चे के लिए उसको बढ़ा दो। नेता जब पर्चा भरते हैं तब खर्चा भी दिखाते हैं। उनका खर्चा इतना विशाल लगता है कि मानो समाज सेवा से खूब पैसा आता हो, लेकिन ये लोग जो बैठे हैं इनकी भीड़ को कोई नहीं दिखाना चाहता। बड़े बड़े टीवी चैनल आपको वो भीड़ दिखाते हैं जहां पर राजनेताओं की रैली में आए लोग, उनकी संख्या और उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें बड़े बड़े कैमरों से, उछलते कूदते कैमरों से दिखाई जाती हैं, लेकिन ये भीड़ आपको कोई नहीं दिखाता जहां पर भीख नहीं बल्कि हक मांगा जा रहा है, जहां पर नेता जिंदाबाद जिंदाबाद करवाने के लिए भीड़ को लेकर आते हैं। वो भीड़ की तस्वीरें आपको भारत का मीडिया यूं ही दिखाता रहेगा, लेकिन ये तस्वीरें, इस भीड़ की तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो ये भीड़ की तस्वीर दरअसल पटना में होते बवाल पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर कब तक वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं अपने स्टाइपेंड की मांग को लेकर यूं सड़कों पर आते रहेंगे। इन्हीं वेटनरी डॉक्टर्स को आखिर कम क्यों आंका जाता है। मैंने अपने एडिटर इन चीफ हरीश असवाल के साथ जब बातचीत कर रहा था इसको लेकर, तब उन्होंने मुझे बताया कि आम डॉक्टर और वेटनरी डॉक्टर में क्या फर्क है और इन्हें आखिर कम क्यों आंका जाता है जबकि इनके काम बड़े हैं। मसलन जो आम डॉक्टर होते हैं उसका नाक का डॉक्टर अलग होता है, कान का अलग होता है, आंख का अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होता है, फेफड़ों का अलग डॉक्टर है, दिल का अलग डॉक्टर है, लेकिन बेजुबान जो जानवर हैं उनका एक ही डॉक्टर है, ऊपर से नीचे तक के लिए एक ही डॉक्टर बनाया गया है। और वो डॉक्टर ऐसे इलाज कर रहा है जिन लोगों के पास ना तो जुबान है ना कहने सुनने की कोई उनके पास क्षमता है। ऐसे लोगों का इलाज करने वाले इन चिकित्सकों की कब सुनी जाएगी, या ये यूं ही सड़कों पर आते रहेंगे और चिल्ला चिल्ला कर कहते रहेंगे कि हम भीख नहीं हक मांग रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनेगा। कोई क्यों नहीं सुनता, क्योंकि इनके नाम के आगे वेटनरी लगा है और वेटनरी डॉक्टर्स के साथ होते अन्याय को कोई नहीं सुनना चाहता। आखिर क्यों नहीं सुनना चाहता, इस पर बहस होनी चाहिए। ट्विटर पर लगातार ये लोग लगातार अभियान चलाते रहते हैं, आज से नहीं अभियान चल रहा है, साल भर से अभियान चल रहा है कि इनका स्टाइपेंड बढ़ाइए। कई जगहों पर मसलन राजस्थान में स्टाइपेंड बढ़ाने पर बात हुई, कुछ कुछ पैसे बढ़ा दिए गए, चंदा उसको मिर्ची आप समझ सकते हैं, लेकिन क्या पटना में ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मांग को कोई सुनेगा। नीतीश कुमार साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तेजस्वी यादव साहब की तो अभी अभी शादी हुई है, लेकिन लालू जी वापस आ गए हैं, इसको लेकर पटना से लेकर पूरे बिहार में चर्चा जोरों पर है। और भीड़ जो लालू जी आए तो भीड़ कितनी लाए इसको लेकर भी चर्चा आम है, लेकिन क्या ये भीड़ जो आपको इस वक्त सड़क पर दिख रही है पटना में, ये भीड़ इसको आपको किसी ने दिखाया, क्या इस भीड़ का कोई जिक्र हुआ, या आपस में ही ये लोग भीड़ की तस्वीरें एक दूसरे के साथ साझा करते रहेंगे और रोते रहेंगे क्योंकि ये वेटनरी डॉक्टर्स हैं। क्या किसान आंदोलन जो सड़कों पर हुआ, व्यापक रूप से हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी में माफी भी मांग ली और साथ ही साथ जो उनके लिए कृषि कानून बनाए गए थे उनको वापस ले लिया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भीड़ भी नजर आएगी जो भीड़ जोर जोर से चीख चिल्लाकर मांग कर रही है कि आखिर हमारी सरकार कब सुनेगी, आखिर हमारी सरकार कब सुनेगी, और स्टाइपेंड को लेकर जो वो सड़क पर है उसको कब माना जाएगा। कोरोना काल के दौरान लगातार ये लोग अपनी सेवाएं देते रहे, कोरोना वॉरियर्स के रूप में इनको सम्मानित भी किया जाता रहा, तमगा दिया जाता रहा और साथ ही साथ प्राइज के रूप में बड़ी बड़ी सुनहरी इतनी बड़ी बड़ी इनको चीजें भी दी जाती रही जिसको मसला हम अवार्ड कहते हैं। लेकिन अवार्ड के बाद जो महीने में आने वाला रिवॉर्ड होता है, मसलन तनख्वाह होती है या स्टाइपेंड होता है, स्टाइपेंड पर कोई बात नहीं करना चाहता। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए इनको पकड़ा दिए जाते हैं जो कि आजकल अगर सड़क पर चना भी बेचेंगे, अगर सड़क पर गुड़ चना भी बेचने के लिए आप दुकान लगाएंगे तो भी आप उससे अच्छा बेच सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रोजगार तो दरअसल पकौड़े तलना भी है, तो पकौड़े तल कर जब ये लोग ज्यादा कमा सकते हैं तो क्या वेटनरी डॉक्टर्स अब बनना बंद हो जाना चाहिए,
क्या वेटनरी डॉक्टर्स लोगों को अपना पेशा छोड़ देना चाहिए या इसी तरीके से कम तनख्वाह पर काम करते रहना चाहिए और बेजुबान पशुओं की सेवा करते रहना चाहिए। इसको लेकर पटना में हुए बवाल पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट हमारे किसी रिपोर्टर ने तैयार नहीं की है, मतलब हमारा रिपोर्टर वहां तक नहीं पहुंच सका, लेकिन ये वीडियो मुझ तक पहुंच गया है। इस वीडियो में जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो बातचीत कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि खुद वेटनरी डॉक्टर है। मतलब वेटनरी डॉक्टर अब खुद रिपोर्टर बन गया है, क्योंकि जब सड़क पर उनकी कोई सुनेगा नहीं तो ये खुद रिपोर्टर होंगे, और जल्दी अगर नेता इनकी सुन लेते हैं तो ठीक है, वरना इनमें से कोई नेतागिरी करने निकल गया तो काफी और भारी और बड़ा नुकसान हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। Hello viewers, welcome to the channel. This is Prince Kumar and I welcome you all. आज हमारा समस्त छात्रों का अनिश्चितकालीन हड़ताल है बिहार वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में। हमारी बस सरकार से दो मांगे हैं। नंबर वन के BBSC एंड AA छात्रों के इंटर्न्स के मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, और नंबर टू कि PG छात्रों के फेलोशिप में वृद्धि होनी चाहिए। बहुत बार वादे किए गए हैं पर ये कभी वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज ये मजबूरी में ये कदम हमें उठाना पड़ा है। चलिए इसके बारे में बाकी छात्रों से और डिटेल में जानते हैं। वेलकम सरोज। थैंक यू। वेलकम। आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ऐसा क्यों मजबूरी में कदम क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या नौबत आ गया आज? सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे जितने भी मीडियाकर्मी हैं सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे जो इस संदर्भ में हमसे बात करने का आप हमने मौका दिया है। सर्वप्रथम ये जो हमारा अनिश्चितकाल हड़ताल है, कहीं ना कहीं किसी न किसी हड़ताल के पीछे कोई रीज़न होता है, तो मेरी भी कुछ वजह है। पहली हमारी मांग है कि जितने भी हमारे इंटर्न्स के स्टूडेंट हैं, जो हमारे सहपाठी हैं, उनके जो मानदेय है वो एक रूरल वेजेस जो होते हैं, जो एक मजदूरी काम करते हैं, उनसे भी कम है। सरकार के मनरेगा के अनुसार 198 रुपया दे है, बट हमारी कितनी है? 60 रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मजदूरी जो एक सिंपल मजदूर को दिया जाता है, जो एक आप इसको क्या कह सकते हैं, अनस्किल्ड लेबर को दिया जाता है, उससे भी कम हमारी वेजेज हैं। हम तो स्किल्ड हैं, तो सरकार को इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी होनी चाहिए, है भी, बट सरकार ने इस बात बातों को माना नहीं है। उसके संदर्भ में हम लोग हड़ताल का प्रबंध किया है। ओके, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि ये जो इंटर्न्स का मानदेय है वो बढ़ना चाहिए, ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसे क्या पॉइंट्स हैं आपके पास जिसके कारण आप ये हड़ताल को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम सर मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये जो हमारी मांगे हैं, ये जो हमें हड़ताल है, तो कुछ उसके बिंदु हैं, उस बिंदु पर आपसे हम टिप्पणी कर रहे हैं। पहली बात, समान काम समान वेतन। जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, चाहे वेटनरी हो MBBS हो, दोनों इक्विवेलेंट है। जब मेडिकल स्टूडेंट को, जब एक MBBS स्टूडेंट को उसी 8 घंटे या 12 घंटे कह सकते हो आप, उसी टाइम ड्यूरेशन के लिए यदि उसको 16,000-23,000 तक की रकम दी जाती है, फिर हमारी क्यों नहीं? हम भी तो 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, हम भी तो 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर हमारी क्यों नहीं? दूसरी बात, इतना कम वेजेस में, इतना कम वेजेस में कोई काम करना चाहेगा क्या? मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है। मोटिवेशन, और ये जो हमारा अंडर यूजे में जो पैसे मिलते हैं वो तो सिर्फ प्रोत्साहन राशि है, वो हमारी प्रोत्साहन राशि है, और जो हमारा असली खेल स्टार्ट होता है इंटर्नशिप से, वो तो हमारी सरकार के मानदेय है। जब सरकार हमारी 1800 रुपया मानदेय में हर महीना काम कराएगी, उससे तो काम चलने वाला नहीं है। इतना ही महंगाई बढ़ रही है, महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, तो फिर हमारा क्यों नहीं ये सिलसिला? ओके, वेटनरी में आप एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए, एडमिशन कैसे होता है, क्या MBBS का एडमिशन अलग से होता है, वेटनरी के लिए अलग एग्ज़ाम है, क्या प्रोसीजर क्या है? सर एक्चुअली मेडिकल में सारे आ जाते हैं, चाहे MBBS हो, BDS हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, वेटनरी हो, सारे आ जाते हैं, और सबों का एक ही जरिया है नीट। नीट UG एक जरिया है जिसके थ्रू पूरे मेडिकल में
मेडिकल का इंतहान होती है और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की जाती है। बस डिपेंड करता है कटअप मार्क्स का शेड्यूल क्या आया है। हाई परसेंटेज वालों को MBBS मिलती है, लो वालों को वेटनरी मिलती है, बट शेड्यूल तो एक ही है। सब तो मेडिकोज ही है, सब मेमल्स का ही इलाज करेगा, ऐसा थोड़ी है कोई दूसरे स्पीसीज का इलाज करेगा। हम सब मेमल्स के डॉक्टर हैं, वेटनरियंस थोड़ी MBBS से कम है। ये तो क्राइटेरिया बना हुआ है कि आप मेमल्स का इलाज कर रहे हो तो आप ह्यूमन बींग्स का करो और ये एनिमल्स बींग्स का करेगा, ये तो क्राइटेरिया है। बट जूलॉजी कहता है मेमल्स तो एक है, ताकि सरकार हमारी बातों को माने। ये हड़ताल कितने दिनों की है, कब तक आप बैठेंगे, क्या इसके लिए क्या योजना बनाई है आपने? ये हड़ताल सर अनिश्चितकाल की है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जब तक सरकारी हमारी मांग को पूरा ना करे तब तक हम हड़ताल पर बैठे रहेंगे। चूँकि बिना हड़ताल का सरकार सुनती भी नहीं है। हम लोगों ने कितना चिट्ठी सरकार को लिख के भेजा, कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्टली हम लोग ने ठाना कि हड़ताल एक हमारा कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट्स है, जिसके थ्रू हम सरकार को प्रभोक कर सकते हैं कि हमारी मांग पूरी करें। ओके, ये जो OPD आज क्लोज हो रहा है और इतने सारे ऑनर्स जो डॉग ऑनर्स आएंगे या जो भी एनिमल ऑनर्स आएंगे उनको जो असुविधाएं होंगी उनके बारे में आप क्या खेद जता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम सर ये जो असुविधाएँ हो रही है उसके लिए हमें भी खेद है, क्योंकि पेशेंट होता है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे भी तो कुछ मांग है। जब तक हम सरकार पर प्रभोक नहीं करेंगे तब तक सरकार हमको कुछ देगी ही नहीं। इस बिंदुओं को मध्य न रखते हुए हमने हड़ताल जारी किया है, और जितने भी हमारे डॉग्स लवर्स हैं, कैट लवर्स हैं, जो भी पेशेंट हैं, यदि उसकी इलाज के लिए हमें खेद है कि इलाज सही टाइम पे होना चाहिए, लेकिन सॉरी कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में मैं अपने सारे जो हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, जो हमारे मेडिकोज हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी हमें सपोर्ट करें, ट्विटर पे आएँ, हमें रीट्वीट करें, हमें शेयर करें, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ऐसे में भारत @9 सपोर्ट के लिए सामने आ गया है। सीरीज़ अब शुरू कर दी गई है, ये सीरीज़ का पहला एपिसोड था। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के वेटनरी डॉक्टर्स से भी बात करेंगे, उनकी स्टाइपेंड को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश के वेटनरी डॉक्टर्स से भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के वेटनरी डॉक्टर्स से भी बात की जाएगी। साथ ही साथ आपने इस रिपोर्ट में, जो पूरी रिपोर्ट, जो खुद रिपोर्टर यहां पर हैं वो खुद वेटनरी डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि MBBS डॉक्टर से आखिर कम क्यों आंका जाता है। मेरी नज़र में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि MBBS डॉक्टर से भी ऊंचा आंका जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो हर चीज़ के लिए अलग डॉक्टर नियुक्त होता है, लेकिन यहां पर ऊपर से नीचे तक बॉडी के एक एक हिस्से के लिए एक ही डॉक्टर है, और वो डॉक्टर भी ऐसे मैमल का इलाज कर रहा है जो कि दरअसल बेजुबान है। तो चीज़ों को समझने में यहाँ ज़्यादा दिमाग लगता है। लेकिन एक समस्या और है कि यहाँ पर जब बात वो कर रहे हैं कि MBBS डॉक्टर को प्राथमिकता दी जाती है, MBBS डॉक्टर के बारे में तो हर कोई सोच लेता है, पैसा भी ठीक ठाक दिया जाता है, लेकिन वेटनरी डॉक्टर्स के साथ इस तरीके का उपेक्षित व्यवहार क्यों किया जाता है, और इसको लेकर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि चर्चा पे खर्चा है और खर्चा उन पर होता है जहां से खुद खर्चा खुद का भी निकल सके। तो हर खर्चे की एक अपनी कहानी है, लेकिन भारत @9 के जरिए आज हम इस बात को सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि TV का मंच इन्हें कोई नहीं देगा, और हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी फायदा नहीं, लेकिन मीडिया का एक कायदा है कि चौथा स्तंभ है, इसको भी बने रहना जायज है। ऊपरी बहसों के लिए आप कोई भी TV चैनल देख सकते हैं, कोई भी YouTube चैनल खोल सकते हैं। सोशल मीडिया पटा पड़ा है कि अखिलेश यादव की रैली में कितनी भीड़ है या योगी आदित्यनाथ जी की रैली में कितनी भीड़ है, और इसी के कोने में छोटा सा, एक जैसे अखबार में होता है छोटी सी कटिंग वाला पॉइंट, वहां पर आप ये भी देख लेंगे कि ओमिक्रॉन के कितने केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है, ये ब्रेकिंग खबर है, अभी लिया गया फैसला है। शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर ऐलान कर दिया है कि रात के 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। आज लुधियाना की कोर्ट में बम धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों की मौत और 4 से 5 लोगों के घायल होने की खबर आई है, ये भी TV को जगह दे रही है। लेकिन आज जो वेटनरी डॉक्टर्स इस तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, ये प्रादेशिक मीडिया तो छोड़िए, स्थानीय मीडिया में भी कहीं नजर नहीं आता। तो ऐसे में मीडिया इसको जगह क्यों नहीं दे रहा, क्या ये लोग वोटर नहीं हैं? अगर वोटर हैं तो फिर इनको नेता क्यों नहीं तवज्जो दे रहे, ये लोग इतना उपेक्षित क्यों हैं?
क्यों आपस में ही मतलब रिपोर्टर इनके बीच नहीं पहुंच पा रहा तो खुद ही रिपोर्टर बनना पड़ रहा है। तो ये समय ठीक नहीं है, ये जो तस्वीरें हैं ये सब कुछ बयां करती रहती हैं, ये सब भी ठीक नहीं है, इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले भी वेटनरी डॉक्टर्स का मसला हमने भारत एट नाइन कार्यक्रम के जरिए जुलाई जून में उठाया था और जून जुलाई में उठाने के बाद राजस्थान में कुछ बदलाव देखने को मिला था। राजस्थान में कुछ स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन ये मसला भी बड़ा है कि पटना में जब ये वेटनरी डॉक्टर्स इस तरीके से बवाल कर रहे हैं, इस तरीके से सड़कों पर उतर ही आए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, मांग रख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भत्ता दिया जा रहा है उस भत्ते से एक गत्ता भी नहीं आ रहा है, मतलब खाने पीने का सामान और रहने आने का जो खर्चा है वो नहीं निकल पा रहा है। तो ऐसे में क्या वेटनरी डॉक्टर्स का पेशा छोड़ दें और आने वाले जो लोग हैं क्या उनको मना कर दें कि इस पेशे में मत आइए, मतलब इतना रुपया दिया जाएगा कि रिक्शा से घर भी नहीं जा पाएंगे, मतलब रिक्शा लेकर घर भी नहीं पहुंच पाएंगे आप, ये भी मुश्किल होगा क्योंकि यहां पर जो भत्ता दिया जा रहा है वो उतना नहीं है कि ठीक ठीक हो। तो क्या वेटनरी डॉक्टर्स बनना बंद हो जाना चाहिए, क्या अब युवाओं को एक नया पेशा तलाश लेना चाहिए, और अगर युवा नया पेशा तलाश लेंगे तो ओपीडी में जो डॉग के जो ओनर्स आएंगे, जब डॉग को समस्या होगी, जब मान ले ना बेजुबान जो पशु है उनको समस्या होगी तो फिर आखिर कहां जाया जाएगा, और तब अगर जो समस्या आएगी तब सरकार अगर जागेगी तब तक ऐसा नहीं लगता कि देर हो जाएगी, तो देर होने नहीं देंगे। इसलिए आज कार्यक्रम हम इसे शुरू कर दिया है, हमने नारियल फोड़ दिया है, शंखनाद कर दिया है, लगातार सीरीज चलती रहेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा वेटनरी डॉक्टर्स जो मेरे साथ जुड़ सकें उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़ते रहिए और अपनी बातों को मेरे समक्ष रखते रहिए। हम हर किसी को बात को निष्पक्षता के साथ उठाएंगे और सरकार के भी संज्ञान में लाएंगे और साथ ही साथ इस पर सरकार के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपकी बात को, आपके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल एक और है, एक और बड़ा सवाल ये है कि आखिर वेटनरी डॉक्टर्स का कसूर क्या है। हर तरफ से अगर पिसना ही है, मसलन अगर कोई कुत्ते को लेकर आता है इलाज के लिए और इलाज में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए, इलाज में अगर वो पूरी तरीके से जो करना चाह रहे हैं अगर वो ना हो पाए, तो ऐसे में उनको जो नेता मंत्री जो झोली भर भर के गाली देते हैं, जो फोन करके उनको उल्टा सीधा बोलने की क्षमता रखते हैं, जो डॉग लवर्स के नाम पर लोग इनके साथ अत्याचार भी कभी कभी कर देते हैं, क्या इनकी सुनवाई भी कभी होती है? हमने कई दफा सुना है, जो कि गलत भी है, कि एमबीबीएस डॉक्टर पर हमला हो जाता है, उसको लेकर पूरा पैनल इकट्ठा हो जाता है, उस पर जांच होती है, दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा भी मिलती है, लेकिन क्या वेटनरी डॉक्टर्स के साथ हुए अत्याचार पर कभी कोई खबर सुनी है? क्या वेटनरी डॉक्टर्स के ऊपर हुए किसी भी तरीके के अन्याय पर कभी भी आपने देखा है कि कोई पैनल बनाया गया हो या कोई कमेटी का गठन किया गया हो सरकार की तरफ से? अमूमन ऐसा हमने आज तक तो मैंने नहीं देखा, कई रिपोर्टें मैंने बनाई हैं लेकिन आज तक मैंने खुद इस चीज को ना देखा ना सुना। इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, मैं अपनी सीरीज शुरू कर रहा हूं और ऐसे में मैं चाहूंगा कि जितने वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ते रहें, हमारे साथ बातचीत करते रहें और बातचीत के साथ इसका जो भी परिणाम आएगा वो आपके सामने होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्यक्रम को रखा जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा, मंच दिया जाएगा और सरकार से भी इस पर सवाल किया जाएगा, क्योंकि सरकार अगर आपको नहीं सुन रही है तो बीच में पुल बनाने का काम हमारा है, बांध बनने का काम हमारा है, मतलब एक जगह से कम्युनिकेशन लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाना हमारा काम है, क्योंकि चार स्तंभ हैं, एक स्तंभ है कार्यपालिका, एक स्तंभ है न्यायपालिका और तीसरा स्तंभ जो कि विधायिका है जिसका काम कानून बनाना है और चौथा स्तंभ लोग भूल चुके हैं लेकिन चौथा स्तंभ मीडिया है, मीडिया का काम वॉच डॉग का है, मतलब हर चीज पर नजर रखनी है, हर चीज को सूंघते रहना है और तीनों न्यायपालिकाओं को समय समय पर बताना है कि ये देखिए, क्योंकि जनता ही तो जनार्दन है, जनता से ही तो डेमोक्रेसी है, जनता से ही तो चार स्तंभ है, जनता से ही तो संसद है और जनता के लिए ही तो संसद है और जनता में हर कोई आता है। तो वेटनरी डॉक्टर्स अगर दुखी हैं, परेशान हैं, अगर इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है तो ये एक भारी भरखम समस्या है, इस समस्या पर भी समाधान की जरूरत है। और ये जो रिपोर्ट भेजी गई है, इस रिपोर्ट को आज हमने दिखाया है, ये पटना से आ रही है, बिहार से रिपोर्ट आ रही है, ये इस रिपोर्ट को हमने आपके समक्ष रखा, मैं इस पर कुछ भी बोलने से बचा, जो था ज्यों का त्यों आपको दिखा दिया। अगर सरकार का कोई भी शख्स इस रिपोर्ट को देख रहा है तो मेरा उनसे अनुरोध है कि इनकी भी सुनिए, इन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपका ध्यान मांग रहे हैं, इन्होंने भी आपको चुना है, इन्होंने भी आपको वोट दिया होगा। अगर इंटर्नशिप करते, मतलब शुरुआती शंखनाद में ही अगर इनको इस तरीके से
इनका शोषण किया जाएगा, क्योंकि शोषण की भी एक सीमा होती है। अगर सीमा किसी लड़की का नाम होता तो वो भी सरकार को उठाती ठंडा पानी डालकर। किसको सुनिए, ये लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, और आप जब तक नहीं सुनेंगे तब तक ये सीरीज यूं ही चलाता रहूंगा, हर रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक इसी तरीके से सीरीज को कायम रखूंगा। आज पहला एपिसोड था, नारियल फोड़ दिया है, और नारियल फोड़ दिया है तो सरकार की नींद भी तोड़ ही दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जितने भी वेटनरी डॉक्टर्स इस वक्त मुझको सुन रहे हैं, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, और हम लोग मिलकर सरकार की नींद को तोड़ेंगे और सरकार को जगाएंगे, और आपको न्याय जल्द से जल्द मिलेगा, इसकी मैं कामना करता हूं। फिलहाल के लिए शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ।